तो भाई लोगों, क्या हालचाल। मैं हूँ आपको दोस्त एमटी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमटी गेमर स्टार जी। और आज की जो वीडियो है, इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को भी बताने वाला हूँ WCC 4 के बारे में। क्या WCC 4 आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है? नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया जो है WCC 3 के बाद WCC 4 को लॉन्च कर सकती है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ क्या WCC 4 आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है या फिर WCC 3 के अंदर ही आप सभी लोगों को एक बढ़िया सा अच्छा सा अपडेट देखने को मिलेगा। सारी बातें करेंगे इस वाले वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और भाई लोगों को बता दूं कि चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। भाई लोगों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि एक समय था, एक दौर था जब नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया ने WCC 2 का जलवा यहाँ पर जो है लगा रखा था। जो भी क्रिकेट लवर है, क्रिकेट गेम खेलता था, उसके मोबाइल के अंदर WCC 2 तो होता ही था। और मैं बता दूं कि WCC 2 का इतना क्रेज़ था कि काफ़ी सारे लोग खेलते थे। और बता दूं कि एकदम यानी कि नंबर 1 क्रिकेट गेम था, अभी भी है। आप सभी लोग प्ले स्टोर की बात की जाए तो क्रिकेट गेम के अंदर WCC 2 ही है। लेकिन 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 अभी के समय की बात की जाए तो एक गेम जो रियल क्रिकेट 22 लॉन्च हुआ है, जिसने तबाही मचा रखी है। और ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी सीरीज़ थी रियल क्रिकेट की, उस सीरीज़ में से ये जो सीरीज़ है रियल क्रिकेट 22 अलग ही प्लेटफॉर्म के साथ आया है। और काफ़ी सारे लोग जो है इसे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी थे। और गेम जो है आ चुका है और फाइनली इतना क्रेज़ में चल रहा है कि अगर किसी के पास 4GB रैम का फ़ोन है, मैं बता दूं कि ऐसा भी बहुत देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोग WCC 3 को अनइंस्टॉल। मैं बता दूं कि मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज फोटो वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बक्स तो बहुत है WCC 3 के अंदर, यहाँ पर जो क्राउड होते हैं वो नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ बेंच ही दिखा रही थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बक्स है। मेरे साथ नहीं हो रहा है, बाकी इस भाई के साथ हो रहा है। तो मैं बता दूं कि ये भी मेरे साथ कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन शायद मैं इग्नोर कर दे रहा होगा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन इसी तरीके से बारीकी के साथ आप सभी लोग अगर बक्स वगैरह निकालते हो तो मज़ा आता है, क्योंकि भाई लोगों को बता दूं कि मैं ध्यान दे रहा हूँ बट यहाँ पर मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर चला जाता हूँ। तो अभी मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग बताए कि अभी के समय पर रियल क्रिकेट 22 का क्रेज़ चल रहा है। अगर नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया अभी काफ़ी सारे लॉस्ट में ही चल रहा है, जिसे कि आप सभी लोग पता है कि नए नए गेम आ रहा है, जैसे लूडो गेम आया था, उसी तरीके से आप सभी लोग समझ सकते हो कि कितना गेम जो है यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट में जा रहा है। अभी बता दूं कि आपने जो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया ने अच्छी तरीके से निभाई थी, अच्छा गेम भी दिया था, काफ़ी सारे लोग WCC 3 को भी इतना प्यार दे रहे थे, अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं हद तक रियल क्रिकेट 22 के आने के बाद अब जो है वो क्रेज़ हटता जा रहा है। अब बता दूं, काफ़ी सारे लोग रियल क्रिकेट 20 को ही खेल रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वे के साथ जुड़े हुए हैं, WCC 3 के साथ प्रीमियम वगैरह लिए हुआ है, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक कर रही है, वो तो जुड़े हुए हैं WCC 3 के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं तो रियल क्रिकेट 22 बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में चल रहा है। अब बता दूं कि ये गेम नया है, थोड़ा सा समझ में अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है रियल क्रिकेट 20 को खेले है, इसलिए इस गेम को खेलने में भी थोड़ी सी आसानी हो रही है। अब बात करते हैं WCC 4 के बारे में। तो भाई लोगों को बता दूं, कंपनी इतने दिनों से शांत चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि WCC 4 देखने को मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि अक्टूबर महीने के अंदर आपको WCC 3 का ही अपडेट देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो अपडेट होगा वो मेगा अपडेट होगा। तो सितंबर महीने में शायद आपको एक बस का अपडेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये चुपचाप कितने दिनों से, मैं बता दूं कि WCC 4 आने वाला होता तो आप सभी लोगों को अभी तक कुछ ना कुछ पोस्ट है या फिर कुछ ना कुछ देखने को मिल चुका होता। आप सभी लोग पता है रियल क्रिकेट 22 आने वाला था, तो आप सभी लोगों को एक पोस्ट देखने को मिला था। और आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर WCC 4 आप सभी लोगों को एक साल या फिर डेढ़ साल में देखने को मिलने वाला होता तो यहाँ पर कंपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए भेजती, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक साल से ज़्यादा आप सभी लोग सोच सकते हो कि आपको गेम ये देखने को नहीं मिलने वाला है। अभी मैं आप सभी लोग बता दूं कि गेम को आए हुए यानी कि जो है एक साल वगैरह लग ही जाता है, जैसे रियल क्रिकेट 22 को तैयार करने में ही लगे। और आप सभी लोग बता दूं कि यहाँ पर देखिए, रियल क्रिकेट 20 की एक अच्छी चीज़ है कि वो जब भी अपडेट वगैरह लाते हैं, सीरीज अपनी चेंज करती है, तो गेम प्ले के अंदर भी चेंज करते हैं और गेम के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। लेकिन WCC 3 WCC 2 की बात की जाए तो गेम वही सेम लगता है। आप सभी लोग गेम प्ले की बात की जाए तो हालांकि WCC 3 के अंदर कैप्चर मोशन है, आप सभी लोग अच्छे खासे शॉट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी वही है, वही ग्राफिक, वही यानी कि जो भी फेस वगैरह है सब कुछ वही है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से अच्छे ग्राफिक दिखते हैं। WCC 2 के अंदर थोड़े से यानी कि अभी के समय की बात की जाए तो कार्टून जैसे लगते हैं, लेकिन WCC 2 के अंदर भी अच्छे ग्राफिक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खराब ग्राफिक है। लेकिन यहाँ पर अगर रियल क्रिकेट 22 को टक्कर देना है तो आपको WCC 4 के अंदर कुछ हटके करना पड़ेगा नेक्स्ट वे को, तभी जो है रियल क्रिकेट 22 को ये टक्कर दे पाएगी। अब आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये जो कंपनियाँ हैं यहाँ पर रियल क्रिकेट 20, रियल क्रिकेट 20, 70 जितनी भी सीरीज है, वो कब से यही सोच रही थी कि हम जो है एक
ऐसा काम करें जिससे कि हम जो है WCC3 को टक्कर दे पाए, तो शायद रियल क्रिकेट 22 एक ऐसा गेम है जो कि शायद इसे जो है यहाँ पर टक्कर दे पाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आप सभी लोग बता दूं कि WCC4 के अभी के लिए कोई भी यहाँ पर आने की जो है संभावना नहीं है। अगर आप सभी लोगों को WCC4 देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, WCC4 देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद WCC3 के अंदर ही गेम अलग करें। अगर न्यू गेम प्ले वगैरह अगर चेंजेस होते हैं तो शायद आप सभी लोगों को जो है WCC4 देखने को मिल सकता है। अगर गेम सेम ही चलता रहेगा, सिर्फ गेम के अंदर ही चेंज होते रहेंगे, तो आपको भाई WCC3 के साथ ही खेलना है और यही चीज़ होने वाली है। बाकी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी के लिए शायद एक साल या फिर डेढ़ साल आप सभी लोगों को WCC4 देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन कंपनी यहां पर जो है कुछ भी कर सकती है। अचानक से कुछ आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे रियल क्रिकेट 22 का पोस्टर देखने को मिला। रियल क्रिकेट 20 बनाया नहीं, रियल क्रिकेट 22 का पोस्टर देखने को मिला। अभी के समय पर बहुत ज़्यादा क्रेज में चल रहा है, तो नेक्स्ट में भी चाहेगी कि हम भी कुछ ऐसा तगड़ा काम करें जिससे कि हमारा गेम फिर से चल जाए, WCC2 वाली फीलिंग फिर से WCC3 के अंदर आ जाए, या फिर WCC4 को लॉन्च करके यहाँ पर फिर से एक बार अपना जलवा जो है कायम कर पाए। बाकी तो आप सभी लोगों को बता दूं कि आज की इस वाली वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन थी। WCC3 का मेगा अपडेट जो है अक्टूबर मंथ में आएगा, WCC4 के आने के कोई भी चांस नहीं लग रहे अभी तक, लेकिन कंपनी शांत है तो शायद देखने को मिल सकता है। बाकी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाली वीडियो अगर आप सभी लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक जरूर से कर देना, और चैनल में न्यू आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन को भी जरूर से दबा देना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ गेमिंग अपडेट्स और उसी के साथ ही टिप्स एंड ट्रिक के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।